सोनीपत की एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एयरफोर्स का पेपर लीक करवाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम भी पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। आप देख सकते हैं कि यह आरोपी मंजीत उर्फ मन्नू देव है, जिस पर एयरफोर्स पेपर लीक करवाने का आरोप लगा है। देशवाल साहब, एक आरोपी को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है? आज हमने पेपर लीक मामले में एक मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसके ऊपर 15,000 रुपये का हरियाणा सरकार ने इनाम रख रखा है, जिसका नाम मोनूदेव अलियास मंजीत है। थाना कला का खरकोदे का रहने वाला है, जो कि काफ़ी टाइम से पेपर लीक मामले में वांछित चल रहा था। इन्होंने एयरफोर्स के पेपर में पेपर लीक करवाए थे। सर, क्या भूमिका थी पूरे पेपर लीक मामले को लेकर इसकी, मंजीत की? ये अलग अलग जो दलाल होते हैं उनसे कैंडिडेट लेके और आगे पेपर में सेंटर में सेटिंग करके पेपर क्लियर करवा। सर, रोबिन के साथ तार जुड़े? नहीं, ये रोबिन के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरा गैंग है जो पानीपत सदर थाने में दर्ज है, जिसमें 4 मोस्ट वांटेड थे, जिन पे इनाम हो रखा था। एक को कुछ दिन पहले ही एसटीएफ ने पकड़ा था, अब हमने पीछे पकड़ा था उसको, और उसी की सीरीज में जो है ना, इसको अरेस्ट किया। अभी उस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये हमारे पास तो मोस्ट वांटेड के रिगार्डिंग था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसकी पानीपत में ही चल रही है। सर, किस रिमांड पर दिया? नहीं, अभी इसको पेश अदालत करेंगे, उसके बाद जैसे भी इसमें इसके खिलाफ सबूत गुजरेंगे, उसके हिसाब से फिर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।